नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ शेख मुनव्वर, जेके नगर का वासी हूँ और टीएमसी का डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। टीएमसी भारी बहुमत से जीतकर आज ममता बनर्जी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण भी किए हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो पूरा क्या नाम है, मोदी सरकार पूरा दिल्ली से जितने भी मंत्रिमंडल था, जितना भी है उनका मुख्यमंत्री था, सारे लोग को नवा दिए थे कि एक कन्या एक औरत क्या कर सकेगी। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि ये पश्चिम बंगाल है, जो पश्चिम बंगाल आज सोचता है दूसरा शहर 10 साल के बाद सोचता है। इसलिए ममता बनर्जी का जो काम, जो सबको उनका ले कर चलने का ड्यूटी, सारे कास्ट को साथ में ले कर चलने का, सभी पर्व को सबको साथ में ले कर चलने का जो काम उन्होंने किया है, ये सबको दिल में बसती हैं। ममता बनर्जी को तो हम लोग अच्छे तरह से जानते थे कि 200+ से हम लोग भारी मोहब्बत से जीतेंगे। अब हल्ला करने वाला उन लोग का जबरदस्ती, बंगाल में जो टीम से जीती है भारी बहुमत से, तो क्या पूरे देश भर में इसका कोई असर पड़ेगा? देश भर में इसका पूरा असर पड़ेगा और एक मिसाल पड़ेगा आने वाला 2024 में जो इलेक्शन आएगा। हमारा आशा है कि सारे जितने विपक्ष के लोग हैं आज ममता बनर्जी को बहुत श्रद्धा से और बहुत इज्जत से देख रहे हैं। हो सकता है कि आने वाला दिन में फिर हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हमारी दीदी हो। अभी चुनाव घोषणा होने के बाद देखा जा रहा है कि राजनीतिक हिंसा काफ़ी बढ़ गया है। हिंसा बोलने का मतलब है कि देखिए, दीदी बोला था शुरू में ही 2011 में जब हमारी सरकार बनी थी तो हम लोग दीदी पत्रकार बोल दिया था कि देखिए हम लोग हिंसा का कोई भरोसा हम लोग नहीं करते और हिंसा का कोई पार्टी है तो उसका नाम है बीजेपी। ये बराबर दंगा करा के बंगाली बिहारी करके सबको लड़ा के ही चाहती है बदनाम करने के लिए दीदी को। और दीदी को यहाँ का पूरा आवाम, यहाँ का पूरे लोग दिखा दिए गोहमत दे के कि दीदी क्या चीज़ है। अगर आज दीदी अगर का नाम है संघर्ष नहीं करती, दीदी अगर काम नहीं करती तो दीदी के पीछे कोई आवाम नहीं खड़ा होता। ये लोग पूरा बीजेपी का पूरा सरकार उतरने के बाद में भी दीदी इतना घुमत से जीता तो लोग को तो डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, सारे मुख्यमंत्री आकर इतना चेष्टा किए, एक नारी होते हुए जो कि उसको पैर धक्का देकर पैर भी तोड़ दिया गया, फिर भी एक पैर से वो नारी पूरे भारतवर्ष के जो हमारे नरेंद्र मोदी ऐसा आदमी को टक्कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। आप तो पश्चिम बर्धमान जिला से ताल्लुक रखते हैं, तो आपके इस जिला में 9 विधानसभा सीट है, यहाँ से आपके कितने प्रत्याशी जीते तृणमूल के? हम लोग बहुत खुशी थे कि 9 से 9 लेंगे, लेकिन हमको अभी 6 मिला है और 6 में जो कि आज 42-43 साल से आपको जमुड़िया में कभी भी आपको हम लोग कैंडिडेट नहीं जीता था। बहुत खुशी की बात है कि जो कि वहाँ पर काम इतना ममता बनर्जी और कार्यकर्ता ने, और सबसे बड़ी बात कि जो करीबन 2-4 महीना हम लोग खटे थे सारे कार्यकर्ता मिल के, आज उसका हम लोग को फल मिला। जमुड़िया क्षेत्र से भारी मतों से जीते हर राम सिंह और हमारे मंत्री साहब मलाई घटक को भी पीछे काफी पार्टी लगा हुआ था, फिर भी मलाई घटक का सर ऊंचा रह गया। इसलिए कि जो पार्टी के साथ में जो पार्टी से प्यार करता है आज उसके साथ पूरा आवाम है, और जो पार्टी से प्यार नहीं करता है जैसे 2-3 लोग छटक के हम लोग पार्टी से चले गए, वो लोग आए थे दल को बदनाम करने के लिए, दल से जो निकल के चले गए जो दो नंबरी लोग, वो दल हमारा और मजबूत हुआ और लोग को विश्वास हुआ। इसलिए हम दल से निकलने का जो बात कर रहे हैं, अभी हाल में ही आपके विधायक रहे टीएमसी से जितेंद्र तिवारी और आसनसोल के मेयर भी थे, वो आपका टीएमसी छोड़कर अभी हाल में ही बीजेपी ज्वाइन किए थे और उसे भाजपा जो है पांडेश्वर विधानसभा से अपना उम्मीदवार भी खड़ा किया था, लेकिन आज वो हार गए हैं और ये हवा मिल रही है कि वो फिर से टीएमसी में आने वाले हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, दीदी का जो मत होगा, दीदी का जो सोच होगा, दीदी के बाहर तो कोई बोल नहीं सकता है। लेकिन जो आदमी का पूरे पश्चिम बंगाल से जिस पर विश्वास उठ गया है, अब कोई भी आए जो आदमी दागी है उस पर तो विश्वास चटाक से आदमी कोई करेगा नहीं। कहा है कि जो आदमी एक बार चाय पीने से जीभ जल जाता है तो मंटा भी आदमी फूंक के पीता है, तो आने के लिए रास्ता खुला हुआ है अगर ऊपर नेतृत्व लारत लाए। लेकिन वो सब आदमी को अगर कोई जगह दिया जाएगा तो इसमें हमारा लगता है कि पार्टी का क्षति खराब होगा। वो लोग को दल में सारे लोग आए, लेकिन जो दल में
एक नंबर जो कार्यकर्ता है, जो दल के लिए सोचते हैं, दिन रात खट रहे हैं, उसको जगह मिले, वो आदमी आगे बढ़े। और दीदी बढ़िया जानती है किसको जगह दिया जाए किसको नहीं दिया जाए। अंत में हम यही बोलना चाहते हैं कि पूरे राष्ट्र से, पूरे राज्य में जितने भी हमारे लोग हैं, सारे लोग का सहयोग से ये दीदी का बहुमत मिला है और दीदी को सरकार बना है। इसलिए जो दीदी से आप लोग सारे लोग प्यार करते हैं, और ऐसे ही दीदी पर आप लोग भरोसा बनाए रहिए कि दीदी और जो 5 साल उनको जिम्मेदारी मिला है कि आप लोग दीदी और हम लोग जितने कार्यकर्ता हैं आप लोग दिल से सेवा कर पाए। और सेवा करने का जो आप लोग मौका दिए हैं, अगर हम लोग से कहीं भूल चूक होगा तो आप लोग हमको रास्ता दीजिएगा सही दिशा में चलने के लिए। और हम लोग मन से सारे लोग जितने कार्यकर्ते हैं और जितने हमारे नेता हैं, और हम लोग 5 साल जो हम लोग को आप लोग पूरे बहुमत से जिताए हैं, उस पर हम लोग खड़ा उतरे। इसे ही बोलकर हम अपना वक्तव्य खत्म करते हैं। एक बार सभी भाइयों को, बहनों को, माँ बहनों को, सबको हमारे तरफ से, पूरे बंगाल को वासी को हमारे तरफ से धन्यवाद है। आप लोग का जो समर्थन हमारा, हम लोगों को मिला, इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम और आपका धन्यवाद।